नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समझना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने या मरने दूंगा। चलो कपड़े उतार कर ये कंबल ओढ़ लो। तुम जो सोच रही हो, अगर मेरा इरादा वही होता तो मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ देता। अगर निमोनिया से मरने का इरादा नहीं हो तो मैं जो कह रहा हूं वही करो। मैं आग जलाता हूं। मेरा नाम मास्टर दयाशंकर था, आज मेरा नाम डाकू शंकर है। मैं तुम्हारी इज्जत लूटूंगा, क्योंकि तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए ही तो मैं डाकू बना हूं। भागने दो इसे। इसके भाई ने मेरी बहन को बहुत भगाया था। वहीं खड़ा रहूंगा तो तुम्हारी इज्जत के कपड़े कैसे उतारूंगा? कैसे उतारूंगा कपड़े? छोड़ो, 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 छोड़ो,
तुम्हारी। ए! छोड़ दे इसे, ये मेरी कैदी है। नहीं, तो आजा टकरा ले। अगर मैं जीता तो मैं अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लूंगा, अगर तू जीता तो तू अपनी बेइज्जती का बदला लेना। लग गई? पकड़ लो इसे, और कोई बीच में नहीं आएगा। शुरू हो जाऊं, अपना बदला लो, फोड़ दो इसके कपड़े, लूट लो इसकी इज्जत। सोचते क्या? इस लड़की को मैंने जीत लिया है, अब मैं इसकी इज्जत लूटूं या नहीं लूटूं, तुम्हें इससे क्या? तुझे तो अपना बदला लेना भी नहीं आता लड़के, लाए लड़की मुझे दे, मैं इसकी इज्जत। अब अगर तूने इस लड़की को हाथ लगाया तो मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। चल चल। जाओ यहां से, जाओ। लेकिन तुम घायल हो। मैं जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मगर तुम मुझे इस डाकू से बचाते हुए घायल हुए बिल्लू। हाँ, हम छोटे लोग औरत की आबरू को बहुत महत्व देते हैं।
क्या? अरे वो देख, अरे हाँ ये तो खाई की तरफ जा रहे हैं। चलो इनका ख्याल रखो, मैं खाने के लिए मछली पकड़ कर लाती हूं। अब लोग कौन है और मैं यहाँ कैसे? बाबूजी, तुम्हारी नाव तो उस गहरी खाई में गिरने ही वाली थी कि हमने तुम्हें देख लिया, वरना इस वक्त ना तुम होते और ना ही वो। वो कहाँ गई? वो तो चली गई। तुमने उसे जाने क्यों दिया? इस जंगल में वो कहाँ जाएगी? बड़ी जिद करने लगी कि वो जाएगी और कहने लगी कि जैसे तू अपने मर्द के लिए मछली पकड़ कर ला सकती है तो मैं क्यों नहीं ला सकती। मैंने कहा मछली पकड़ना मुश्किल काम है, तो बोली कि जब इसे पकड़ लिया तो मछली में क्या रखा है। तुम्हारी हर मुश्किल को आसान करना अब मेरा फर्ज है। देविका जी का फोन आया है कि वो ठीक ठाक हैं। चमचा सिंह, हुकुम सरकार। आज बाहर का मौसम कैसा है? बहुत रंगीन है सरकार। तो फिर ऐसा करो कि आज मुझे कोई ताजी चीज दिखाओ। जी हाँ, वो जो गैराज में जो लड़की थी उसका क्या नाम है? आज बिल्लू दिल्ली से जब वापस आएगा तो साला देखते ही फ्लैट हो जाएगा। लग रही हूँ लिखानी है। रपट? काय की रपट? रेप की रपट। रेप की रपट? क्या तेरा रेप हुआ है? हाँ। किसने किया है? ठाकुर यशवंत सिंह ने। क्या? यशवंत सिंह ने? तुझे पता है रेप की रपट की लिखवाई 500 रुपया होती है? तेरी बहन की रेप की रपट लिखवाई भी 500 रुपए होगी? क्या बकती है साली? ए थानेदार, गाली देना गौरी को भी आयला है, पर इस वक्त मैं उस हरामजादे के खिलाफ रपट लिखवाने आई हूँ और रपट लिखवा कर ही जाऊंगी। तुम लिखो रपट। अरे वाह, तुमने कहा और शहर के बहुत बड़े आदमी के खिलाफ हमने रपट लिख दी। डॉक्टर ही मुआयना करना होगा, देखना होगा कि रेप हुआ भी है या नहीं। देख दरोगा, मेरे बिल्लू के आने से पहले रपट लिख दे और उस यशवंत सिंह को जेल में डाल दे, वरना बिल्लू उसका खून कर देगा और मेरे बिल्लू को जेल हो जाएगी। अरे जाजा, वो और यशवंत सिंह बहुत बड़ा आदमी है, तेरा बिल्लू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों इंस्पेक्टर प्रताप? सर आप क्या बात है, आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे? कैसे लिखूं सर,
ये तो कुंवर यशवंत सिंह को नामजद कर रही है। तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मैं लिखता हूं। बोलिए। मेरे घर में आने की जरूरत कैसे की तूने? एक दो टके की छोकरी के कहने पर तुम मुझे गिरफ्तार करने चले? वो दो टके की छोकरी भी आपकी तरह इस आजाद मुल्क की नागरिक है। क्यों अपनी शामत बुलाना चाहते हो इंस्पेक्टर? तुम मुझे और मेरे कनेक्शंस को अच्छी तरह जानते हो। अगर मेडिकल रिपोर्ट्स ये कहती है कि उस लड़की का रेप हुआ है तो हुआ होगा, लेकिन क्या मेडिकल रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि उसका रेप मैंने किया है? मेरा नाम लिखा उस पे। मैंने कहा ना, ये फैसला करना अदालत का काम है। मेरा काम है आपको गिरफ्तार करना और मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। और अगर आप शराफत से नहीं चले तो मैं हथकड़ी लगाकर ले जाऊंगा। गेट लॉस्ट इंस्पेक्टर। हवलदार। यस सर। हथकड़ी लाओ। एक सेकेंड इंस्पेक्टर साहब, एक सेकेंड। ये एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर्स हैं। देखा इंस्पेक्टर, कानून की आंखों से पट्टी खुल गई ना। नाउ यू मे गेट आउट। गोरी, गुलफाम, गोरी, ए गोरी। क्या हुआ गोरी? अपुन खलास हो गई। क्या कह रही है तू? तेरी गौरी काली हो गई। गौरी, हे गौरी, धीरे सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम मियां, कैसे हो? आइए बैठिए। बिल्लू, मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि जब तक तो गौरी का बयान अदालत में नहीं हो जाता उसकी जिंदगी को खतरा है। इसकी मजाल है कि मेरी मौजूदगी में गौरी को कोई टेढ़ी आंख से देख भी सके। तो फिर तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। देखो मियां, पढ़े लिखे हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या समझते हो तुम्हें मारने में उन्हें देर लगेगी? वो लोग बहुत ताकतवर हैं, कानून से भी ज्यादा। हां, लेकिन ये बाजी इतनी लंबी है बिल्लू चौधरी कि मैं भी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि पुलिस गौरी को बचा पाएगी या बचाना चाहेगी। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम गौरी को लेकर एक रात के लिए कहीं चुपचाप निकल जाओ और कल जब अदालत में गौरी का बयान हो जाएगा तो खतरे की कोई बात ही नहीं होगी। लेकिन एक बात याद रखो, ये बाजी हमें जीतनी है। मैं चलता हूं। एक झोपड़ी ने महल के साथ टकराने की जरूरत की है। वो बयान देने आ रही है। आपके सामने जोर से हंसने की माफी चाहता हूं। आप तो जानते हैं कि मैं सूर्यवंशी राजकुमार नहीं हूं, मैं वकील हूं। और वकील दो तरह के होते हैं, एक वो जो कानून की रक्षा करते हैं, दूसरे वो जो कानून का सौदा करते हैं। मैं उस लौकी से ऐसे सवालात करूंगा कि उसकी शर्म उसके होठों को सी देगी, और अगर उसका खुद का बयान उसके खिलाफ नहीं गया तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।